एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. एजुकेशन के बिना लाइफ अधूरी है. एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अहमियत है अपनी लाइफ पे. पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी एजुकेशन पर डिपेंड होती है. एजुकेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं. एजुकेशन एक ये होती है मॉरल एजुकेशन. मॉरल एजुकेशन के अंदर हम ये सीखते हैं कि बड़ों से रिस्पेक्ट कैसे करें, बड़ों को रिगार्ड्स कैसे करें और छोटों से प्यार कैसे करें. मॉरल एजुकेशन में ये होता है कि हम हेल्प कैसे करें, एक दूसरे की मदद कैसे करें, एक दूसरे का सहारा कैसे बने और एक दूसरे को मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में काम कैसे आए. ये होता है मॉरल एजुकेशन. और दूसरी तरह की एजुकेशन होती है, वो होती है लिटरेट, जिससे हम ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग ये समझ बैठते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पर बल्कि ये होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉरल एजुकेशन होती है रैदर देन लिटरेट एजुकेशन. लिटरेट एजुकेशन में मतलब, कहने का मतलब ये है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं अगर आप 12th ग्रेजुएटेड हो, अगर आप अच्छी तरह से डिग्री हासिल कर लेते हो, एजुकेशन प्राप्त करते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपको बहुत अच्छे से आती है, वो चीज़ एक करियर बनता है आपका. मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हमारे करियर में हेल्प करती है अपनी लाइफ में. जो पूरा हम पैसा कमाते हैं, जैसे हम लाइफस्टाइल जीते हैं, हर चीज़ में मदद देती है लिटरेसी. और हमें समझ भी आती है, सूझबूझ आती है, हमें लिखना आ जाता है, बोलना आ जाता है, कम्युनिकेट करना आ जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इसकी मदद से करते हैं. एक एजुकेशन, एक सही में एजुकेशन जो हम प्राप्त करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉरल एजुकेशन भी है साथ के साथ, अगर हमें सही में समझ में आए कि मॉरल एजुकेशन है क्या. और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं लिटरेसी पे, तो उसी के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ. लिटरेसी के मामले पे मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स लगे हुए हैं या फिर कोई अच्छे पोजीशन पर हैं, उन सभी के लिए अगर आपने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है, बहुत कुछ लाइफ में किया है, अगर आप सेल्फिश हो, अगर आप सोचते हो कि आपके नाम मदद करने से आपका भला हो रहा है, तो आप सबसे गलत हो. इस चीज़ में आप सबसे गलत हो. अगर आप शेयर नहीं कर रहे, अगर आपको पता है जो चीज़ और आप अगर दूसरों को नहीं बता रहे उसके बारे में, जो आपने ज्ञान सीखा है, जो आपने सही में अपनी लाइफ में एक एजुकेशन प्राप्त की है, अगर आप नहीं शेयर कर रहे तो मैं नहीं समझता आपने सही एजुकेशन प्राप्त करी है. ये एक ऐसी चीज़ आ जाती है, मतलब कि अगर आप पढ़े लिखे हो और आप शेयर नहीं कर रहे, दूसरों की मदद नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप भी अनपढ़ में शामिल हो जाओगे. और मैं समझता हूँ कि आप अनपढ़ ही हो, आपने कोई ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मॉरल एजुकेशन. अगर आप अपने यार, एक सिंपल और एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं इसी टॉपिक पर. जो ज़्यादातर लोग पढ़ लेते हैं, बहुत आगे तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं जो यू नो ड्रीम होता है, एक लाइफ में ड्रीम होता है, वो पूरा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप को पीछे छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी लाइफ थी, अपनी हमारी अब अलग लाइफ है, अपने हिसाब से जीना है. मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ, अगर आप जिस भी पोजीशन पर हो, जहाँ पर भी हो, अगर आपने अपने माँ बाप को कंट्रीब्यूट नहीं किया अपना सक्सेस, अगर आपने अपने माँ बाप से शेयर नहीं किया और अपने माँ बाप को साथ में नहीं रखा, तो मैं नहीं समझता आपने एजुकेशन प्राप्त करी है सही तरह की, क्योंकि माँ बाप ही है आपको उस पोजीशन तक पहुँचाने के लिए. माँ बाप का ही एक पर्टिकुलर योगदान है, माँ बाप की वजह से ही आप पले बड़े हो, मतलब कि लाइफ में ग्रोथ देखी है, आपके माँ बाप ने ही देखी है. सबसे ज़्यादा अगर आपको देखा है ना, तो वो आपके माँ बाप ही है जिसने सबसे करीब आपको देखा होगा और आपको हर वक्त आपसे बात करते हैं, आपसे हर वक्त हर लम्हा आपके मुश्किल वक्त तक में आपका साथ देने को राज़ी है. एजुकेशन जो भी आप सीखते हो, साथ के साथ मॉरल एजुकेशन भी होनी चाहिए. अगर आप ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो,
एक पर्टिकुलर, वरना जानवर और आप में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, वरना तो यार लाइफ में बिना मतलब के आए, बिना मतलब के ही जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्यार देने के लिए उनके लिए कुछ ऐसा करो जो जिससे वो बहुत खुश हो जाए। एक एडवाइस देना चाहूँगा सभी को, एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज ज़रूर सेंड कर देना। जो आप दूसरों को सेंड करते हो ना, गर्लफ्रेंड को करते होंगे या फिर कई लोग अपने जितने भी पार्टनर को उन सबको करते होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को कम से कम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज ज़रूर सेंड कर देना, और साथ में प्यार भरा एक मैसेज अपनी तरफ से अगर हो सके इस वीडियो के देखने के बाद ज़रूर भेजना। इसके ज़रिए अवेयरनेस होती है, इसके ज़रिए एक रियल एजुकेशन का पता चलता है, एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन जिस तरह से अपनी बातों को शेयर करता है वो उस तरह से इन चीज़ों को लेना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर करें, अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो सही में खुश हो। अगर आप करियर पर्सपेक्टिव को लेकर बहुत चिंतित हो, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो अपने लिए भी कि भाई मुझे करना है लाइफ में कुछ, तो चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने माँ बाप तक शेयर करनी चाहिए कि भाई मैं अपनी कोशिश तो कर रहा हूँ, अपना रिज़ल्ट देखेंगे किस तरह का रिज़ल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम सीखते चले जाएंगे। सबसे ज़रूरी है सीखना, उसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में यार, सीखना ज़रूरी है।